ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 4.5 साल पहले की दास्तां है, जब दूसरे देश भारत में पैसा लगाने से पहले 1000 बार सोचा करते थे। मगर अब आप खुद ही देख लीजिए, FPI के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मोदी सरकार की विकासवादी नीतियों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल नवंबर के महीने में भारतीय पूंजी बाजार में 12,260 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। बीते 10 महीनों में FPI का ये सबसे ऊंचा स्तर है। मतलब FPI की जो बयार मेक इन इंडिया के आते ही शुरू हुई थी, वो अब और तेज रफ्तार पकड़ रही है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के महीने में FPI ने शेयर बाजारों में 6,913 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 5,347 करोड़ रुपए लगाए हैं। कच्चे तेल की कीमत में आई कटौती और रुपए की मजबूती के दौर के शुरू होते ही निवेशक फिर भारतीय पूंजी बाजार का रुख कर रहे हैं। नवंबर महीने में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तेजी दिखाई दे रही है, ये भी 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नवंबर में PMI इंडेक्स 54 पर पहुंच गया, जो कि अक्टूबर में 53.1 था। ये लगातार 16वां महीना है जब PMI इंडेक्स 50 से ऊपर रहा है। ज्यादा निवेश आएगा तो देश संवरेगा, देश संवरेगा तो फायदा किसे होगा? आपको और हमें और हमारे जैसे तमाम हिंदुस्तानियों को। अब जब देश इस तरह बदल रहा हो तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी भला PM मोदी से प्यार क्यों ना करें।